ये कौन सा शॉट है? हाँ ये कौन सा है? OS चल रहा है इनका, शोल्डर और ये हिस्सा दिख रहा है और मेरा पूरा फेस दिख रहा है, यहाँ तक दिखेगा ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे मुझे समझना है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके देखो, समझ में आएगा। टाइट किया है, अब क्या दिख रहा है? इनका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये और मेरा ये है ना। अब मुझे अगर इनको देख के बात करनी है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे देखूँगा ऐसे, लेकिन मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैमरा सामने है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ और मुझे फेस वहाँ पे दिखाना है, अगर मैं इंटेंशनली दिखाऊंगा तो ऐसे 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 देख के बात करूँगा क्योंकि कितना गलत लगेगा। तो मुझे क्या करना है, स्मार्ट मूव करना है। स्मार्ट मूव कैसे करूँगा, मैं इनकी दोनों आँखों में आँखें गड़ा के नहीं देखूँगा, मैं इनकी लेफ्ट साइड वाली आँख, जो ये वाली आँख है जो कैमरा के नज़दीक है, उसको देखूँगा। ये आप देखो वहाँ पर ध्यान से साफ दिखाई देगा, मैं इनकी इस वाली आँख पर देख रहा हूँ, सिर्फ एक आँख को देख रहा हूँ और अब मैं दोनों आँख को देख रहा हूँ, अब मैं एक आंख को देख रहा हूँ, अब मैं दोनों आंख को देख रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, स्मार्ट मूव करना है, अपना फेस भी दिखाना है और रियल भी लगना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक आंख को देखूँगा और यहाँ पे करूँगा लाइन, सारी लाइन यहाँ बोलूँगा, यहाँ देख करके आपको लगेगा कि मैं इनकी दोनों आंख को देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली इनकी एक सिर्फ एक आंख को देख रहा हूँ ठीक है, और सारी लाइन मैं यहाँ पे देख करके बोल रहा हूँ, इसको कहते हैं स्मार्ट मूव। तो बीइंग एक्टर आपको क्या होना है, स्मार्ट बनना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा को आप फेस कर पाओ और वो रियल भी लगे, झूठ ना लगे। अगर मैं पूरा ऐसे देखता हूँ तो गलत हो जाएगा, ये मैं पूरा देख रहा हूँ और ये मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ, ये ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में क्योंकि मेरा फेस ज़्यादा यहाँ पे आएगा और मैं जो भी बोलूँगा हर चीज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड होगी। तो जो भी कैमरा जिस तरफ होगा, अगर कैमरा इस तरफ है तो मैं इस वाली आँख पे देख रहा हूँ, कैमरा इस तरफ होता तो मैं इस वाली आँख पे देखता, इस वाली आँख पे, इस वाली आँख में, इस वाली आँख में, ऐसे करके नहीं देखता सेंटर में, गलत लगे। वहाँ पे बहुत माइन्यूट सी मूवमेंट भी काम कर रही है, कोई लेफ्ट बोले तो कैसे, बोलो लेफ्ट, ये देखो ये इतना सा मूवमेंट चाहिए होता है। इनको अगर बोले राइट, राइट बोलो, ऐसे नहीं करना, ये हड़बड़ी में होता है ये सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करो क्योंकि राइट सर, और सर, और थोड़ा सा ये हाँ ठीक क्लियर, ऐसे मूवमेंट्स लेते हैं हमेशा। और कोई अगर राइट बोले तो राइट ही जाना है, वो सर जैसे जनरली क्या होता है हड़बड़ी, राइट और सर और अरे अरे तुम्हारे राइट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बहुत होगा ठीक है। तो ध्यान रखना है, चीट करो चीट, और डाउन हल्का सा ऊपर लो, हल्का सा ऊपर, ठीक है। ये एक मूवमेंट है, इसको ध्यान में रखो कि कभी ऐसा होगा, जनरली जब लड़कियों की हाइट छोटी होती है तो ये करना पड़ता है, या तो लड़की को पाटला दिया जाता है, पाटला यानी नीचे कुछ पट्टा होता है, कुछ होता है कुछ जिसपे वो खड़े हो जाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, या तो लड़के की हाइट कम की जाती है इस तरीके से। बहुत सारे टाइम आपको इस तरीके से एक्टिंग करनी पड़ेगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कों की हाइट कम होती है, बॉलीवुड में भी ऐसे लड़कियां बहुत लंबी है, लड़के छोटे हैं, तो उस टाइम पे भी ये किया जाता है, या तो लड़की ऐसे करके खड़ी होगी या तो लड़का पाटला पे खड़ा होगा, तब जाके वो मैच करता है, बहुत बार ऐसा होता है। आज इंडस्ट्री में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी हाइट कम है, तो या तो वो मोटे हील वाले जूते पहनते हैं या तो पाटले पे खड़े होते हैं, तब जाके हाइट मैच करती है, क्योंकि लड़कियां हैं 5'11", लड़के हैं 5'8", 5'7", तो कैसे मैच होगी हाइट, ठीक है।